राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम CS 308 नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के यूनिट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है प्रोग्राम्स दैट अटैक्स, सिलेबस के यूनिट नंबर 2 पॉइंट नंबर 2.3.4 कुकीज़ क्या होती हैं। ए कंप्यूटर कुकी इज मोर फॉर्मली नोन एज एन HTTP कुकी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कुकी, ए वेब कुकी, एन इंटरनेट कुकी और ए ब्राउज़र कुकी। द नेम इज ए शॉर्टर वर्जन ऑफ मैजिक कुकी विच इन टर्म्स फॉर ए पैकेट ऑफ डेटा दैट ए कंप्यूटर रिसीव्स एंड देन सेंड्स बैक विदाउट चेंजिंग और ऑल्टरिंग इट। तो कंप्यूटर कुकी एक छोटा सा पैकेट है डेटा का जिसे कंप्यूटर रिसीव करता है और उसे वापस बिना चेंज किए, बिना उसके अंदर कोई परिवर्तन किए उसे वापस आगे भेज देता है। तो कुकीज़ एक HTTP कुकीज़ भी कहलाती हैं, वेब कुकी भी कहलाती है, इंटरनेट कुकी भी कहलाती है, ब्राउज़र कुकी भी कहलाती है। तो ये एक छोटा सा पैकेट है डेटा का जिसे कंप्यूटर प्राप्त करता है और उसको आगे भेज देता है। सो कंप्यूटर कुकी कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर कुकी के अंदर एक सूचना होती है। जब हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो जो वेबसाइट है वो कुकी भेजती है हमारे कंप्यूटर पर, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन भेजती है। हम जिस भी वेबसाइट को विज़िट करेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर को भेजी जाएगी और हमारा कंप्यूटर जो है उस इन्फॉर्मेशन को एक फाइल में स्टोर कर देता है जो कि वेब ब्राउज़र के अंदर होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमने कौन कौन सी साइट्स को विज़िट किया है। तो ये कुकीज़ कहलाते हैं, छोटे प्रोग्राम्स डेटा है, पैकेट ऑफ डेटा है जो हमारे वेबसाइट पर विजिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। द पर्पज ऑफ कंप्यूटर कुकी इज टू हेल्प द वेबसाइट कीप ट्रैक ऑफ फॉर विजिट्स एंड एक्टिविटी। कंप्यूटर कुकीज़ का जो पर्पज है, उसका उद्देश्य है, वो यह है कि वेबसाइट्स जो हमारे द्वारा ट्रैक की जाती हैं, विजिट की जाती हैं, या हमारे द्वारा क्या क्या एक्टिविटी की जाती है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए या उनको ट्रैक करने के लिए काम में आती है। This is not always a bad thing. For example, many online retailers use cookies to keep track of the items in a user's shopping cart as they explore the site. मतलब जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम जिस जिस आइटम को सिलेक्ट करते हैं या जिन जिन चीज़ों के ऊपर जाते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शॉपिंग कार्ट के अंदर रहती है या ऑनलाइन रिटेलर उसको स्टोर करता है। यदि हम कुकीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी शॉपिंग कार्ट हमेशा, जब भी हम उसको रिसेट करेंगे, वो जीरो हो जाएगी और हमेशा हमें एक नए लिंक को क्लिक करके उसके ऊपर जाना पड़ेगा। सो दैट वुड मेक इट डिफ़िकल्ट टू बाय एनीथिंग ऑनलाइन। तो उससे हमें ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो कुकीज़ हमारे वेबसाइट पे विजिट को और ट्रैक करने को, एक्टिविटीज़ को, सबका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ए वेबसाइट माइट ऑल्सो यूज़ कुकीज़ टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ आवर मोस्ट रिसेंट विजिट और टू रिकॉर्ड आवर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट पे जो कुकीज़ होती हैं वो कुकीज़ का ये भी उपयोग होता है कि वो हमारी रिसेंट विजिट्स जो हमने साइट पे की हैं और हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन उसको भी वो स्टोर करती है। मैनी पीपल फाइंड दिस यूज़फुल सो दैट दे कैन स्टोर पासवर्ड ऑन द फ्रीक्वेंटली यूज साइट। काफ़ी लोग जो लैपटॉप पे या मोबाइल पे काम करते हैं वो अपने पासवर्ड्स को भी स्टोर करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, ताकि जो फ्रीक्वेंटली हम किसी साइट को विज़िट करते हैं तो उनके पासवर्ड हमें याद नहीं रखने पड़ते और हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज़ कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। अलग अलग प्रकार की जो कुकीज़ होती हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखने के काम में आती हैं। जैसे सेशन कुकीज़, सेशन कुकीज़ आर यूज्ड ओनली व्हेन ए पर्सन इज़ एक्टिवली नेविगेटिंग ए वेबसाइट। वंस वी लीव द साइट द सेशन कुकीज़ डिसअपीयर। ये सेशन कुकीज़ जो है ये पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट को नेविगेट करते समय उपयोग में आई जाती हैं और जैसे हम उस साइट को लीव करते हैं, छोड़ देते हैं, सेशन कुकीज़ डिसअपीयर हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। ट्रैकिंग कुकीज़ मे बी यूज्ड टू क्रिएट लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स ऑफ मल्टीपल विजिट्स टू द सेम साइट। ट्रैकिंग कुकीज़ क्या करती हैं, जो किसी भी साइट को अगर हमने मल्टीपल विजिट्स की हैं तो उसका लॉन्ग टर्म तक रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ऑथेंटिकेशन कुकीज़ कीप ट्रैक वेदर ए यूज़र इज़ लॉग्ड इन एंड इफ़ सो अंडर व्हाट नेम। ऑथेंटिकेशन कुकीज़ जो होती है वो यूज़र की लॉगिन की इंफॉर्मेशन को रखती है कि उसने कब लॉग किया है और किस नाम से लॉगिन हुआ है।
सो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कुकीज़ कैन नॉट ट्रांसफर वायरसेस और मॉलवेयर टू अवर कंप्यूटर। साधारणतया कुकीज़ वायरस या मॉलवेयर को हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, बिकॉज द डेटा इन ए कुकी डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ, इट हैज़ नो वे टू अफेक्ट अवर कंप्यूटर रन्स। क्योंकि कुकीज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, वो ट्रेवल करते समय, आते समय और जाते समय वो उसके अंदर चेंज नहीं होता, तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन कुछ वायरस और मालवेयर होते हैं जो कुकीज़ के रूप में आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, सुपर कुकीज़ कैन बी पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न एंड मैनी ब्राउजर्स ऑफर ए वे टू ब्लॉक देम। सुपर कुकीज़ जो होती हैं उनके द्वारा वायरसेस या मालवेयर्स हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, इसलिए कई ब्राउजर्स इनको ब्लॉक कर देते हैं। इसी प्रकार जॉम्बी कुकी होती है, तो जॉम्बी कुकी इज़ ए कुकी दैट रिक्रिएट्स इटसेल्फ आफ्टर बीइंग डिलीटेड, मेकिंग जॉम्बी कुकीज़ टफ टू मैनेज। जॉम्बी कुकीज़ वो होती हैं जिन्हें डिलीट करने के बाद वो अपने आप को रिक्रिएट कर लेती हैं, वापस बना लेती हैं, तो इन जॉम्बी कुकीज़ को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी प्रकार एक कुकीज़ होती हैं थर्ड पार्टी ट्रैकिंग कुकीज़, दे कैन ऑल्सो कॉज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न सिंस दे मेक इट ईजियर फॉर पार्टीज वी कांट आइडेंटिफाई टू वॉच वेयर वी आर गोइंग एंड वॉट वी आर डूइंग ऑनलाइन। ये जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं, ये कुकीज़ को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये उन पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, उनका रिकॉर्ड रखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस साइट पे जा रहे हैं और क्या क्या काम वो ऑनलाइन कर रहे हैं। सो एवरी ब्राउज़र गिव्स अस ए रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर इनेबलिंग और डिलीटिंग कुकी। तो प्रत्येक ब्राउज़र, चाहे हम गूगल यूज़ करें, नेटसेट नेविगेटर यूज़ करें, इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करें, उन सभी के अंदर ये फीचर होता है कि हम इन कुकीज़ को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे सेटिंग्स होती हैं जिनके द्वारा हम इनको चेंज कर सकते हैं। सो बैनिंग ऑल ब्राउज़र कुकीज़ कुड मेक सम वेबसाइट डिफ़िकल्ट टू नेविगेट। यदि हम सारी कुकीज़ को बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, तो कुछ वेबसाइट्स को नेविगेट करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सेटिंग दैट कंट्रोल्स और लिमिट थर्ड पार्टी ट्रैकिंग कुकीज़ कैन हेल्प प्रोटेक्ट अवर सिक्योरिटी। लेकिन यदि थर्ड पार्टी कुकीज़ और ट्रैकिंग कुकीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए या उनके जो ऑपरेशन हैं वो लिमिट कर दिया जाए, तो हम प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं और अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स क्या होती है? ए कंप्यूटर स्क्रिप्ट इज़ ए लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय ए सर्टेन प्रोग्राम और स्क्रिप्टिंग इंजन। स्क्रिप्टिंग जो है वो लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं जिनको किसी प्रोग्राम या स्क्रिप्ट इंजन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो स्क्रिप्ट्स मे बी यूज्ड टू ऑटोमेट प्रोसेसेस ऑन ए लोकल कंप्यूटर और टू जनरेट वेब पेजेस ऑन द वेब। स्क्रिप्ट्स का उपयोग किसी भी लोकल कंप्यूटर पे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के काम में आता है। यदि हम कुछ कमांड्स को किसी एक फॉर्म में लिख दें, तो वो सारी कमांड्स, उस स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई सारी कमांड्स उसी सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दिस मीन्स मोस्ट स्क्रिप्ट्स कैन बी ओपन्ड एंड एडिटेड यूजिंग ए बेसिक टेक्स्ट एडिटर। तो इन सभी कमांड्स को लिखने के लिए हम कोई भी बेसिक टेक्स्ट एडिटर उपयोग में ले सकते हैं। सो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज विद ए सीरीज ऑफ कमांड्स विद इन ए फाइल कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड विदाउट बीइंग कंपाइल्ड। तो स्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है एक बैच फाइल के रूप में होती है, जिनके अंदर एक सीरीज ऑफ कमांड्स हम किसी फाइल में लिख देते हैं और उन्हें बिना कंपाइल किए हम डायरेक्टली सेम सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के, वो होते हैं पर्ल, पीएचपी और पाइथन। पर्ल, पीएचपी और पाइथन ये जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं और सर्वर साइड पे कोडिंग करने के लिए काम में आते हैं। और जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है उसके लिए जावास्क्रिप्ट काम में ली जाती है। ए फुल लिस्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फाउंड अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेशन। इनकी जो अलग अलग एग्जांपल्स हैं वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, इन दोनों के लिए अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस काम में ली जाती हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स के क्या लाभ होते हैं? ओपन सोर्स अलाउइंग यूजर्स टू वी एडिट द स्क्रिप्ट इफ़ नीडेड। ये ओपन सोर्स होता है और यूज़र्स इसको देख सकते हैं और जब भी आवश्यकता हो इसको
एडिट कर सकते हैं। इनको कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती, इनको सीखना और लिखना आसान होता है। स्क्रिप्ट्स को, इन स्क्रिप्ट्स को हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से पोर्ट कर सकते हैं। मच फास्टर टू डेवलप देन एक्चुअल प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम के कंपेरिजन में इनको ज़्यादा तेज़ी से डेवलप किया जा सकता है। सम इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज राइट स्क्रिप्ट्स एज ए प्रोटोटाइप फॉर एक्चुअल प्रोग्राम्स। कुछ साधारणतः जो इंडिविजुअल होते हैं वो और कंपनीज प्रोटोटाइप के रूप में एक्चुअल प्रोग्राम की स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं। नेक्स्ट है, स्क्रिप्ट्स के डिसएडवांटेज क्या है। ओपन सोर्स अलाउज अदर्स टू व्यू सोर्स कोड विच मे बी प्रोहिबिटेड बाय सम कंपनीज। ओपन सोर्स होने के कारण इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, जो कुछ कंपनियां इसको अलाउ नहीं करती हैं। इट रिक्वायर्स द यूजर टू इंस्टॉल एन इंटरप्रेटर और सेपरेट प्रोग्राम बिफोर द स्क्रिप्ट कैन रन। इसको यूज़ करने के लिए या स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कभी कभी हमें एक इंटरप्रेटर या एक सेपरेट प्रोग्राम का आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा स्क्रिप्ट को रन किया जा सके। इन सम सिचुएशन दे मे बी स्लोअर देन कंपाइल्ड प्रोग्राम। कुछ स्थिति के अंदर स्क्रिप्ट्स कंपाइल्ड प्रोग्राम की तुलना में स्लो होती है। तो ये तीन डिसएडवांटेजेस है कि ओपन सोर्स है और इसका सोर्स कोड हम देख सकते हैं, इसलिए कुछ कंपनीज को अलाउ नहीं करती। इसको रन करने के लिए कभी कभी इंटरप्रेटर या सेपरेट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, और कुछ कंडीशंस में ये कंपाइल्ड प्रोग्राम की तुलना में स्लो होती हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। स्क्रिप्ट के द्वारा किस प्रकार अटैक किया जा सकता है। तो स्क्रिप्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स यूज नॉन वल्नरेबिलिटी इन ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन देयर सर्वर्स और द प्लग इन सिस्टम ऑन विच दे रिलाई। एक्सप्लोइटिंग वन ऑफ दीज अटैक्स फोल्ड मेलिशियस कंटेंट्स इनटू द कंटेंट बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज साइट। इनकेस द्वारा कुछ कभी कभी मेलिशियस कंटेंट्स जो होते हैं वो भी डिलीवर कर दिए जाते हैं। एंड वेन द रिजल्टिंग कंपाइंड कंटेंट अराइव एट ए क्लाइंट साइट वेब ब्राउजर इट हैज़ ऑल बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स एंड दस ऑपरेटर अंडरस्टैंड द परमिशन ग्रांटेड टू दैट सिस्टम। ये इस प्रकार से प्राप्त होते हैं जैसे किसी ट्रस्टेड सोर्स से प्राप्त हुए हों, और इस प्रकार ये अटैक कर देते हैं। सो बाय फाइंडिंग वेज ऑफ इंजेक्टिंग मेलिशियस स्क्रिप्ट्स इनटू वेब पेजेस एन अटैकर कैन गेन एलिवेटेड एक्सेस प्रिविलेज टू सेंसिटिव पेज कंटेंट्स टू सेशन कुकीज। इनके द्वारा मेलिशियस जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, इनके द्वारा वेब पेज पर अटैक किया जा सकता है और जो सेंसिटिव पेज कंटेंट्स हैं उनको देखा या उनको एक्सेस किया जा सकता है। एंड टू वैरायटी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय द ब्राउजर ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र, और यूज़र के बिहाफ पे उस सारी इंफॉर्मेशन को इसको ट्रैक किया जा सकता है। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स आर ए केस ऑफ कोड इंजेक्शन। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जो है ये एक कोड इंजेक्शन का रूप होती है। नेक्स्ट इज XSS वल्नरेबिलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड एंड एक्सप्लॉइटेड सिंस 1990। XSS वल्नरेबिलिटीज जो हैं उनको 1990 से ही रिपोर्ट किया गया है, उनके एक्सप्लोइट किया गया है, और बहुत सारी जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं जो इनके द्वारा अफेक्ट हुई हैं या जिनके ऊपर इन्होंने असर डाला है, उनके अंदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, माई स्पेस, यूट्यूब और ऑर्कुट, इन सभी साइट्स के ऊपर लगातार इस प्रकार के अटैक होते रहते हैं, और ये चीज़ 1990 से चली आ रही है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अकर्स when user input is accepted by the application as part of a request and then is used in the output of a response without proper output encoding in place for validation and sanitization. XSS allows attackers to execute scripts in the victim's browser. So XSS allows जो होता है उसके द्वारा execute scripts execute हो जाती हैं victim के browser program में, विच कैन हाईजैक यूज़र सेशंस, और ये यूज़र के जो सेशंस हैं उनको हाईजैक कर लेता है, एज ए की लॉगर की तरह कार्य करता है। एंड रीडायरेक्ट द यूज़र टू मेलिशियस साइट्स और एनीथिंग एल्स ए हैकर कैन ड्रीम अप। इस प्रकार जो मेलिशियस साइट्स हैं उनके द्वारा या हैकर जो भी चाहता है वो इनके द्वारा कार्य कर सकता है।
A hacker can inject malicious script, oftentimes JavaScript or VB script, that is then rendered in the browser of the victim. इस प्रकार एक हैकर जो है ये कभी कभी JavaScript या VB script का उपयोग करते हुए विक्टिम जो हैं उनके ब्राउजर प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं. बिकॉज दिस स्क्रिप्ट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम द एप्लीकेशन द विक्टिम्स ब्राउजर ट्रस्ट इट एंड अलाउ टू स्क्रिप्ट टू रन. क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट होती है ये किसी भी एप्लीकेशन के रेस्पॉन्स के रूप में प्राप्त होती है, तो विक्टिम जो होता है वो इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है और इस स्क्रिप्ट को रन करने की अनुमति देता है. तो स्क्रिप्ट के द्वारा भी जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं या अटैकर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम पर अटैक कर सकते हैं. धन्यवाद.